दोस्तों देखिए आईपीएल का बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा, तो पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, टीम आपको कैसी बनानी है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है पिच रिपोर्ट जानना। बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, ये सब आपको बहुत जरूरी है जानना। यदि आप लोग टीम क्रिएट करते हैं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पिच रिपोर्ट कैसी है और टीम को कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। तो आप लोग बन रही है तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरह से टीम को क्रिएट किया जाता है और पिच रिपोर्ट क्या है, तो आगे बने रहिएगा। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पिच रिपोर्ट। दोस्तों देखिए हैदराबाद में बल्लेबाजी की बल्ले बल्ले या फिर गेंदबाज करेंगी कमाल, तो क्या है आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, वहीं आरसीबी दसवीं पायदान पर है। अब हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में इन दोनों के बीच भिड़ंत होनी है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भाई आप लोग बंद रहेगा, पिच रिपोर्ट क्या है, उसके बाद मैच आपको कैसे क्रिएट करना है, तो मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। आप लोग बंद रहेगा। देखिए ये सारे बनाम आरसीबी पिच रिपोर्ट, यानी कि दोनों जिस पिच पर खेला जाएगा उस पिच का क्या मिसाज रहने वाला है, पिच रिपोर्ट कैसा है, तो आप लोग जानिएगा, भाई आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब रास से आती है। ऐसे में अगर फिर इससे हाई स्कोरिंग मैच देखने के लिए मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हैदराबाद ने जो 277 रनों का बड़ा स्कोर इस साल के आईपीएल में खड़ा किया था वो इसी मैदान पर आया था। यहाँ का मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए चौके और छक्के खूब देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर टॉस की बात किया जाए तो जो कप्तान इसे जीतेगा वो हो सकता है कि पहले गेंदबाजी का फैसला करें, क्योंकि इस मैदान पर 40 मुकाबले बाद में और केवल 32 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अपने नाम किए हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद उसे चलते हैं टीम कैसे क्रिएट करना है, तो आप लोग बन रहेगा। रात से देखिए मैंने ड्रीम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, उसके बाद कैसे टीम को क्रिएट करना है, तो आप लोग बन रहेगा। तो चलते सीधा अपने शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कला से इनको लेने से पहले इनका हम रिकॉर्ड देखेंगे, इनका रिकॉर्ड किस तरह है और कैसा है। तो हम जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सब कुछ शो हो जाएगा। देखिए अभी तक 7 मैच खेले हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट दिए हैं, अच्छा रन भी बनाए हैं, तो आप लोग इसी के हिसाब से आपको इसी तरह से देख लेना है। दोस्तों इसके बाद और डिटेल्स में देखना चाहेंगे तो फुल व्यू प्लेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये देखिए यहाँ सब कुछ शो हो रहा है, अभी तक 7 मैच खेले हैं, एवरेज पॉइंट 67 का है। उसके बाद ड्रीम टीम 57.14% है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसके खिलाफ कितने रन मारे हैं, कितने पॉइंट दिए हैं, तो आपको इसी के हिसाब से आपको ऐसे ही देख लेना है हर प्लेयर को, तभी जो है टीम क्रिएट करनी है। टीम आपको उसी तरह से बनाना है पिच के अकॉर्डिंग। यदि पिच बैटिंग पिच है तो आप बल्लेबाजों को अधिक पिक करिए, बॉलिंग पिच है तो बल्लेबाजों को अधिक लीजिए, बैटिंग पिच है तो बैटमैन को अधिक लीजिए, तो इसी प्रकार से जो है आपको टीम को बनाना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो है आप अच्छे से जो है टीम क्रिएट कर सकें। उसके बाद हम विराट कोहली का देखेंगे, तो विराट कोहली भी इतने समय बहुत ही अच्छा रन बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में हैं, तो आप लोग इनको भी पिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है इनका सब कुछ डिटेल से देख करके आप अपने हिसाब से पिच के अकॉर्डिंग जो है आपको टीम बनानी है, तो भाई आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम ऑलराउंडर पे आ जाते हैं, यहाँ जैक्स का देखेंगे, तो जैक्स का क्या रोल रहता है, तो भाई देखिए जैक्स ने अभी तक 3 मैच खेले हैं जो कि अच्छी खासी पॉइंट दिए हैं, तो आप लोग भी इनको पिक जरूर करिएगा, यानी कि अपने टीम में जरूर लीजिएगा क्योंकि ये ऑलराउंडर है, तो आप लोग इनको भी पिक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद हम बैक चल जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आपको इसी तरह से जो है अपनी टीम को बनाना है तो आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं पी कमिंस का अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो देखिए बहुत ही अच्छी खासी लय में है पैट कमिंस, तो आप लोग इनको ले सकते हैं। यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो उनको ना भी लें, क्योंकि ये पहले ही बॉलिंग करते हैं तो पहले बहुत कम जो है विकेट गिरती है। यदि आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको ना लें, यदि आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। फिलहाल आपको इसी तरह से जो है प्लेयर को चुनना है, उसके बाद आप प्लेयर के पिच के अकॉर्डिंग जो है आपको टीम क्रिएट करनी है। तो जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है,
ये बैटिंग पिच है, आपको उसी के हिसाब से सब कुछ बनाना है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया। जय हिंद।